नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के इकाना मैदान में शपथ लेंगे, लेकिन क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हिस्सा लेंगे या फिर नहीं, इसे लेकर खुद अखिलेश यादव ने अब जवाब दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि वो जाएंगे या फिर उन्हें बुलाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी महज 8 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेंगे और माना जा रहा है इस बार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में काफी बदलाव हो सकता है और कई नए चेहरे भी कैबिनेट में शामिल होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार उप मुख्यमंत्री का पद खाली रह सकता है। ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश यादव योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर बयान दिया है, उससे साफ है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के मूड में नहीं है। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए अखिलेश यादव को न्योता दिया जाता है तो साफ है कि अखिलेश यादव ने अपना रुख जाहिर कर दिया है और वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के दौरान दरअसल योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर काफी तीखे हमले किए थे और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस पर पलटवार भी किया था, लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर से बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, उसके बाद अखिलेश यादव का शपथ ग्रहण में शामिल होना पहले से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उन्हें अभी तक बुलाया नहीं गया, इसका मतलब यह हुआ कि इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि अखिलेश यादव को अगर बुलावा आता है तो हो सकता है कि शामिल भी हो जाए। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।